बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, तहजीब हियर फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, यहाँ पर मेरे पास एक स्टेपर मोटर है और इस स्टेपर मोटर को मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये बाईपोलर स्टेपर मोटर है या यूनिपोलर स्टेपर मोटर है। तो हम डायरेक्टली इसकी पिंस को देखकर नहीं बता सकते कि यूनिपोलर है या बाईपोलर। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो यूनिपोलर स्टेपर मोटर होता है उसकी हर एक वाइंडिंग से तीन वायर्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल दो वाइंडिंग्स हैं, तो इस दो वाइंडिंग्स में हमें टोटल सिक्स वायर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सिक्स वायर यहाँ पर हमें कनेक्ट करने के लिए सिक्स पिन दिए हैं। इसका मतलब ये हमारे पास यूनिपोलर है अगर हम इसको समझें इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसके डायरेक्ट पिंस को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि हमारे पास ये यूनिपोलर स्टेपर मोटर है या बाईपोलर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा इमेज। इस इमेज में आप देख सकते हो जो हमारे पास बाईपोलर स्टेपर मोटर है उसमें हर एक वाइंडिंग से आपको दो वायर मिलेंगे। तो यहाँ पर दो वाइंडिंग है तो आपको टोटल फोर वायर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिक्स पिंस हैं। तो हमें ये किस तरह से पता लगेगा कि ये यूनिपोलर है या बाईपोलर? तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर चाहिए और मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पर सेट करेंगे और सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉइल नंबर वन को। तो कॉइल नंबर वन को लिए आप यहाँ पर इसको रखेंगे और इसके बाद यहाँ से आप कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे अपने ब्लैक वाले पॉइंट को। तो देख सकते हो यहाँ पर हमें रीडिंग मिल गई है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये वाला जो पॉइंट है वो कॉइल का एक सिरा है और ये दूसरा सिरा यहाँ पर है। अब अगर ये यूनिपोलर है तो इसका तीसरा सिरा भी होगा। तो हम यहाँ से चेक करते हैं, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका मतलब एक कॉइल के सिर्फ दो ही सिरे हैं, तो हो सकता है ये यूनिपोलर ना हो के बाईपोलर हो। तो अभी हम दोबारा से दूसरे पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने दूसरी कॉइल को चेक करना स्टार्ट किया तो ये कोई कॉइल नहीं है। इसके बाद हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ये भी कोई कॉइल नहीं है। और अब मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ये आप दोबारा आपस में टच ना करें नहीं तो आपको रीडिंग मिलेगी। ये इस तरह से मैंने यहाँ पे चेक किया तो इसका मतलब ये कॉइल नंबर टू है हमारी और ये कॉइल नंबर टू का दूसरा सिरा है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास स्टेपर मोटर है वो बाईपोलर स्टेपर मोटर है, यूनिपोलर स्टेपर मोटर नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो लीड आती है हम उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस लीड के अंदर आप देख सकते हो जो हमारा ये पॉइंट है ये खाली है और इसके बाद ये पॉइंट है ये खाली है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये न्यूट्रल हैं, यानी ये पॉइंट और यहाँ पर ये पॉइंट ये न्यूट्रल हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ये बाईपोलर स्टेपर मोटर है। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें।